याद आ गया मेरे, इसको इंसुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद आ गया। ओके, इसको बोलते हैं हुड इंसुलिन। प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट आप लॉन्ग रन में अपने फैमिली को थोड़ा एक्सपेंड कर सकते। ओके, अभी लॉक है तो अनलॉक करते हैं। मिरर्स ओपन हो गया। अभी इसमें आपको की में क्या क्या मिल जाता है, लॉक, अनलॉक, हेडलाइट्स और बूट एक्सेस। ठीक है, हेडलाइट्स ऑन करते हैं तो इस तरह से कुछ दिखता है। हे पीपल, सो वेरी गुड आफ्टरनून, दिस इज डैनी। आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम आई नो, काफी दिनों से मैंने कोई कंटेंट रिकॉर्ड नहीं किया, कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया। दैट्स कम्प्लीटली माई मिस्टेक बिकॉज मैं थोड़ा सा बैड फेस से गुजर रहा हूँ, मतलब मेरे कुछ टेंशन चल रहे हैं तो उसके वजह से मैं कुछ वीडियोस बना नहीं पा रहा था फ्रेंकली स्पीकिंग। एंड ओके, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है आई नो, ओनली अपार्ट फ्रॉम माई नोन पीपल, ऑब्वियसली अदर पीपल विल नॉट सब्सक्राइब इफ यू डू नॉट यू नो रेगुलरली अपलोड कंटेंट्स। बट हाँ, मेरा कुछ और टेंशन चल रहा था उसके वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ ना कुछ अपलोड करूँ सो दैट यू विल हैव समथिंग टू वॉच। ऑलराइट, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया, आज हम टिगोर का कम्प्लीट ओवरऑल रिव्यू लेके आए हैं। ठीक है, रिव्यू इन द सेंस ओवरऑल गाड़ी कैसा है, यू नो क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, प्राइस ब्रैकेट क्या है एंड व्हाई यू शुड कंसीडर, इन विच सिनेरियोस यू शुड कंसीडर टिगोर, और टिगोर के अलावा और कौन से ऑप्शन है आपको राइवलरी, वो भी मैं बताऊंगा सब इस कंटेंट में। ठीक है, कंटेंट को थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे एज यूजुअल, ज्यादा बात करे बिना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट पीपल, सो देखो, अगर आप कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने दूसरे कंटेंट्स में बताया, कि सबसे पहले आप एक यू नो अपना जो रिक्वायरमेंट्स है वो समझ लेते हो। ठीक है, आपका क्या रिक्वायरमेंट्स है एंड आपका जो प्राइस ब्रैकेट है, बजट कितना तक जा सकता है। ठीक है, कितने बजट में आपको लेना है वो चीज आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है कि विच टाइप ऑफ कार यू वॉन्ट टू टेक। ओके, आप कौन से टाइप का गाड़ी लेना चाहते हो, इज इट ए सेडान, इज इट ए हैचबैक, इज इट ए यू नो कॉम्पैक्ट एसयूवी, इज इट ए एसयूवी, एमयूवी, कौन सा टाइप का गाड़ी लेना पसंद करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, अब देखो, सारे गाड़ियों का अलग अलग सीन होता है, सारे गाड़ियों का अलग अलग फीचर्स होते हैं और प्राइस ब्रैकेट भी सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो एज वी नो वेरी वेल दैट टाटा इज द लीडिंग सेफेस्ट कार इन इंडिया, जो अभी से नहीं काफी वक्त से टाटा का नाम सबसे ऊपर में ही रह रहा है इन द सेफेस्ट कार सेगमेंट। राइट, तो सेफेस्ट कार के सेगमेंट में बंदा एक ये गाड़ी भी आ गया है जो अपना टिगोर है। ठीक है, तो अभी मैं आपको टिगोर दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है, चमचमाती नई वाली। ओके, ठीक है। ऑलराइट पीपल, सो दिस इज द न्यू टाटा टिगोर एग्जेड वेरियंट। ओके, सो ये वाला एग्जेड वेरियंट है, आई बिलीव नहीं पता है, तो आई विल बी मेंशनिंग देम इन द स्क्रीन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए सबसे पहले ओवरऑल गाड़ी से शुरू करते हैं, सामने से। ठीक है, सामने आपको बड़ा सा टाटा का लोगो मिल जाता है। ठीक है, उसके सामने ये टाटा का सिग्नेचर ग्रिल मिल जाता है आपको एरो में। ठीक है, यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसिंग है और यहाँ पे ये देखो, इस पार्ट पे ये बम्पर में आपको कुछ क्रोम फिनिशिंग दिया गया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। ठीक है, उसके बिल्कुल साथ में यहाँ आपको मिल जाता है DRL, यहाँ पे आपको फॉग लाइट्स मिलते हैं और यहाँ पे LED प्रोजेक्टर लाइट्स मिलते हैं। ठीक है, लो बीम के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा और हाई बीम के लिए आपको यहाँ पे, सॉरी ये लो बीम के लिए और ये हाई बीम के लिए। राइट, एंड यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। राइट, एंड दिस इज द ब्लू कलर। ओके, दिस इज द डार्क ब्लू कलर, नेवी ब्लू बोर्ड बोल सकते हो। इसका एग्जैक्ट कलर क्या टाटा वालों ने लगाया है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, एनीवेज, सो गाड़ी का डायमेंशन कुछ इस तरह है और गाड़ी का सबसे पहले मैं बता दूं जो अपना वृत्त है, हाइट और व्हील बेस, ये सारे मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, मेरे को एग्जैक्टली नंबर्स फिगर्स में नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद
गाड़ी साइड लुक कुछ इस तरह से दिखती है। ऑलराइट, और पीछे की तरफ आप आओगे तो बहुत ही प्यारा सा आपको आपको जो टेल लाइट सेटअप है वो मिल जाता है। ठीक है, ये देखो, ये व्हाइट कलर में दिया गया है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है एक तरह से। यहाँ पे आपको LED में दिया गया है विच लुक्स फैबुलस इन द नाइट टाइम, डार्क टाइम में बहुत सुंदर दिखता है ये वाला। और यहाँ पे हैलोजन में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे रिवर्स लाइट यहाँ पे दिया गया है इसका नीचे की तरफ, एंड दिस इज द इसका हाई लैम्प स्टॉप लैम्प, यहाँ पे हाई लैम्प स्टॉप लैम्प। ठीक है, और यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसिंग है और टाटा का लोगो। देयर इज नथिंग स्पेशल ओवर हियर। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है टॉप मॉडल में, और ये रहा इसके सेंसर्स, ओके रिवर्स सेंसर्स। एंड ये बंपर में आपको रिवर्स लाइटिंग मिल जाता है जो कि हैलोजन में, जो एक ही साइड में मिलता है, ठीक है, दोनों साइड में नहीं मिलता है। और बाकी यहाँ पे है रिफ्लेक्टर्स, राइट, यहाँ पे है रिफ्लेक्टर्स। और ये कुछ इसका व्यू है पीछे के तरफ से, ठीक है। ऑलराइट, सो टाटा का टिगोर, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो टाटा का टिगोर जो है, दिस इज नॉट अ फुल फिच सेडान, ओके। तो दिस व्हीकल कम्स अंडर द कॉम्पैक्ट सेडान, जैसे कि अपना काइगर कॉम्पैक्ट SUV है, तो दिस इज द कॉम्पैक्ट सेडान, ओके। अभी फुल फिच सेडान अगर बोलोगे तो होंडा सिटी आएगा, होंडा सियाज, सॉरी मारुति सुजुकी सियाज आएगा, और ह्यूंडई वर्ना आएगा, ये सब प्रॉपर सेडान है जो और लंबाई में ज्यादा होता है, ठीक है, पर इसका लेंथ थोड़ा सा हल्का सा छोटा है, तो दिस कम्स अंडर द कॉम्पैक्ट सेडान, ओके। ना कॉम्पैक्ट सेडान में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉम्पैक्ट सेडान में कौन से ऑप्शन मिल जाता है, टाटा की टिगोर, ह्यूंडई का ऑरा, और मारुति सुजुकी स्विफ्ट, राइट, और कौन सा है, होंडा अमेज, ये चार ऑप्शंस मिल जाते हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, यस चार ऑप्शंस, यस। तो प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे कम प्राइस में आपको मिलेगा मारुति स्विफ्ट, और स्विफ्ट का तो आप पता ही है, सेफ्टी फीचर कंपैरिजन कर नहीं सकते, दैट इज द पॉइंट, ओके। चलो अभी फ्रंट डोर से शुरू करते हैं, तो फ्रंट डोर ओपन करने पर अच्छा खासा वाइड ओपन हो जाता है आपका जो फ्रंट डोर है वो, ठीक है। तो फ्रंट डोर कुछ इस तरह से दिखता है आपको, आपको बेज भी नहीं बोल सकते इसको, व्हाइटिश कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का इंटीरियर दिया गया है, ड्यूअल कॉम्बिनेशन में है ब्लैक और ऑफ व्हाइट कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको सॉफ्ट टच मिलता है हल्का सा, और यहाँ पे आपको विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में डोर लॉक है, और यहाँ पे बॉटल आप रख सकते हो थोड़ा सा, पर आई डोंट थिंक 1 लीटर का बॉटल यहाँ पे ठीक से फिट होगा, थोड़ा सा जगह छोटा लग रहा है। यहाँ पे हरमन के सॉरी यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाता है, हरमन का सिस्टम मिलता है इसमें, आई एम सॉरी। ऑलराइट, सो इसमें कुछ इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना होता है, जो IRVM से सॉरी जो ORVM से वो वाले, इस तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये है इसका 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील, ओके। एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन कर लेते हैं सबसे पहले तो, ओके, तो इस तरह से कुछ दिखेगा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइट। और ये वाला अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे मिलता है 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील, ठीक है, जो लेदर रैप के साथ आता है कम्प्लीटली, जो बहुत ही प्रीमियम लगता है होल्ड करने में, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सारे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आई थिंक नेक्सॉन, टिगोर, टियागो, इन सारे में एक ही आता है, आई थिंक इवन पंच हैज द सेम वन, आई बिलीव, नहीं पंच में वो वाला आता है, तो दैट इज नॉट डिजिटल, हाँ वो ओडोमीटर वाला दिखता है, तो दैट इज डिफरेंट पंच का, बट इन सारों में सेम होता है। तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है यार दिखने में, तो देखो यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे दो और वहां पे एक, राइट। यहाँ पे हरमन का आपको 7 इंच का स्पीकर सॉरी स्क्रीन मिल जाता है, टच स्क्रीन मिल जाता है, जिसमें थोड़ा सा हल्का सा लैग मैंने देखा है यूसेज के ऊपर, हल्का सा लैग दिखा मेरे को इसके ऊपर, बाकी स्क्रीन कैसा है बोले तो जब धूप गिरता है ना थोड़ा मतलब बहुत ही ब्लरी दिखता है। इसके ऊपर एक शीट है वो हटाना पड़ेगा आई बिलीव, बट हाँ दिस वर्क्स क्वाइट फाइन, टच रेस्पॉन्स ओके, इट्स वर्किंग फाइन। अभी बज रहे ठीक 12, अरे बाप रे, ये देखो दोपहर के बज गए 12। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे AC वेंट्स का है, और यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे ये AMT वर्जन है, राइट, ओके, AMT का गियर लीवर है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है, फोन वगैरह रख सकते हो,
ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है। और यहाँ पे कप होल्डर मिल जाते हैं, नॉट बॉटल होल्डर है, वट से कप होल्डर दीजर। यहाँ पे अपना हैंड ब्रेक का प्लेसमेंट है, यहाँ पे एक सॉकेट दिया हुआ है पीछे के पैसेंजर्स के लिए, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलता है जहाँ पे बॉटल भी आप रख सकते हो। और ये है कुछ ओवरऑल व्यू इंटीरियर का, ठीक है। और ये है मिरर जो यस, ये ऑटो नहीं है, ये मैनुअल है, राइट। तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, दैट इज वेरी गुड थिंग। पैसेंजर साइड में भी मिलता है, विच इज ऑल्सो ए गुड थिंग। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, राइट। और कुछ है यहाँ पे, यहाँ पे हल्का सा आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिलता है, आई थिंक अगर आप कार्ड वगैरह कुछ रखना चाहते हो तो इस स्पेस पे आप होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस पार्ट, राइट। और यहाँ पे आपको ट्विटर्स मिल जाता है, फॉरगॉट टू से, ट्विटर्स दोनों सामने की तरफ मिलते हैं, ठीक है। ये पीछे का हो गया, सॉरी ये सामने का हो गया, पीछे चलते हैं। चलो अब पीछे का डोर ओपन हो गया, अच्छा खासा वाइड ओपन हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पे कंट्रोल, और ये हो गया अपना ट्विटर का प्लेसमेंट, राइट। यहाँ पे नीचे स्पीकर है, बॉटल होल्डर है, यहाँ पे आप छोटा बॉटल रख सकते हो, थोड़ा सा स्पेस है, राइट। ये वाला हो गया, अब अंदर की तरफ चलते हैं। ओके, तो अभी अपन आ गए अंदर, और मेरा हाइट इट्स अराउंड 5'6" 5'7" के आसपास है, तो उस हिसाब से मैंने अपना जो ड्राइविंग सीट है वो एडजस्टमेंट किया, ठीक है। तो उसके बाद भी मेरे को अच्छा खासा स्पेस मिलता है, मतलब एक 6 फुट का बंदा भी यहाँ पे अगर बैठना चाहे तो ठीक ठाक कंफर्टेबली बैठ सकता है, लेग स्पेस की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बीच में अच्छा खासा हम्प मिलता है आपको अपने काइगर में, ये बहुत ही लो नीचे की तरफ रहता है, वो ना के बराबर होता है, इसमें अच्छा खासा बड़ा है, तो वो एक माइनस पॉइंट है। एनीवेज, फिर भी आई थिंक 2 adults and 1 child कैन सिट हियर कंफर्टेबली फॉर लॉन्ग रन, एंड इफ इट इज शॉर्ट ड्राइव्स एंड ऑल देन आई थिंक 3 people कैन सिट, 3 adults। थोड़ा एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा, पर बैठ सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 fixed headrest मिल जाते हैं, राइट। ये 2 fixed headrest है, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है आपको, और ये कुछ अंदर का सीन है, ओके। और यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है, इसको ऐसे रखेंगे। चलो अभी मैं आपको इसका सामने का बोनेट ओपन करके दिखाता हूं, और इंजन स्पेसिफिकेशंस कुछ बताऊंगा, राइट। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा हैवी है यार इसका। ओके, लेट मी फर्स्ट फिक्स इट, एक हाथ से करना मुश्किल है। देखो एक हाथ से किया है, इसी बात पे थोड़ा सा हो सके तो वीडियो में लाइक कर देना, ठीक है। एफर्ट लगता है भाई, है ना, एफर्ट लगता है डेफिनेटली। ऑलराइट, नाउ दिस इज द इंजन बे, ओके। इसमें आपको 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है 1.5 लीटर के साथ, ठीक है। 1.5 लीटर इसका स्पेसिफिकेशन है, और मैंने ये बैटरी का प्लेसमेंट है, यहाँ पे कूलेंट है, यहाँ पे वाइपर फ्लूइड है, यहाँ इंजन ऑयल है, वहां पे ब्रेक फ्लूइड है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने एक चीज नोटिस किया है AMT वर्जन में, पता नहीं सारे टिगोर में वही है कि नहीं, पर इंजन नॉइस काफी ज्यादा है इसका, थोड़ा सा ज्यादा लगता है इंजन नॉइस। हाँ, कैबिन के अंदर आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा सा लगता है। बट AMT में ना जो लैग दिखता है ना, जैसे कि मैं बताऊं, अगर मैंने काइगर में थोड़ा सा लैग देखा है जब मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा था AMT वर्जन, वो लैग आपको इसमें नहीं दिखेगा, बिकॉज ये 4 सिलेंडर है, तो दैट मेक्स द ह्यूज डिफरेंस ओवर हियर। सो दिस इज द कंप्लीट बे। आप यहाँ पे अपना ये भी मिल जाते, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, मैं फिर भूल गया, इसको क्या बोलते हैं भाई, कोई बता दो क्या बोलते हैं। अच्छा खासा भारी है, टाटा का मटेरियल ऑब्वियसली। एनीवेज, तो यहाँ पे आपको मिरर में कुछ LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स दोनों साइड में, और वाइपर्स इसके बहुत ज्यादा मेरे को पसंद है, टाटा का। ये अपना रेन सेंसिंग वाइपर्स है, ऑटोमेटिक है ये वाला, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और व्हाट आई एम मिसिंग आउट ऑन, आई एम मिसिंग आउट ऑन टायर्स, राइट। अभी टायर की प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको टायर प्रोफाइल मिल जाता है 170x60R15 15 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है ये, अच्छा दिखता है।
पर इसका कैलिबर अगर दूसरे कलर में देते तो बहुत ज्यादा दिखता। अच्छा, पर सामने आपको भाई हॉर्न मारने क्या जरूरत थी यार। एनीवेज, सामने आपको डिस्क मिल जाता है, पीछे की तरफ ड्रम मिल जाता है, राइट। ओके, चलो अभी पीछे का हुड ओपन करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है कहीं पे, ये आपको, ऑलराइट, हियर इट इज। तो वैसे तो दिखने में आपको ये लगेगा स्पेस काफी छोटा है, बट काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है अंदर। कितने लीटर्स का मिलता है एग्जैक्टली स्पेस वो मैं इन नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, राइट, स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, बट दिस इज हाउ इट इज, राइट। ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, आप दो बड़े साइज के बैग्स ले सकते हो, सूटकेस एंड छोटा मोटा बैग सामान भी रख सकते हो, ठीक है ना। ये कुछ इसका हुड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ कवर वगैरह नहीं मिलता है, सब कुछ ओपन है, जो बहुत अजीब है। यहाँ पे एक कवर देना चाहिए था यार कंपनी को, जो अच्छा लगता। और ना ही यहाँ पे कोई हैंडल वगैरह है। हाँ, यहाँ पे सब ओपन है, तो आप इस तरह से पकड़ के इसको थोड़ा सा खींच सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है, राइट। और इसका एक अच्छा चीज ये है, देखो नंबर प्लेट के पास ना LED लाइट्स लगे, विच इज अ गुड थिंग। अरे भाई बंद हो जा। ओके पीपल, सो दिस इज द ओवर और कंप्लीट वॉक अराउंड ऑफ न्यू टाटा टिगोर 2024। इफ यू डू लाइक दिस कंटेंट देन प्लीज गिव इट अ लाइक, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल फॉर मोर कंटेंट्स, एंड और दूसरे गाड़ी रिलेटेड में कंटेंट्स लाने की पूरी कोशिश करूंगा जल्दी ही। ओके, अब एक छोटा सा ड्राइव पे जाते, एक छोटा सा स्पिन लेते हैं, दैट्स इट, उसके बाद कंटेंट को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक इट, एंड फॉर मोर सर्च कंटेंट प्लीज 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 रिक्वेस्ट करो, ऐसे रिक्वेस्ट करो, प्लीज 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 रिक्वेस्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आप लॉन्ग रन में अपने फैमिली को थोड़ा एक्सपेंड कर सके, राइट। फॉर मोर सच कंटेंट मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम कंटेंट अपलोड करने की, और उसके बाद शायद मैं इसका एक सर्विस कंटेंट भी लाऊंगा जल्दी ही। इफ आई एम गोइंग टू द सर्विस स्टेशन, इसका सर्विस कराना है, तो वो सर्विस कंटेंट भी लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दिस इज डैनी, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, टिल देन, गलत बोल दिया, काफी दिन हो गया। ओके, दिस इज डैनी साइनिंग ऑफ, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। मैं इसका ड्राइव क्वालिटी की बात करूँ ना यार, वो बहुत सही लगा मेरे को। मतलब इसमें जो AMT का गियर सिस्टम है ना, वो AMT का गियर सिस्टम है ना, बिल्कुल भी लैग नहीं है। जैसे कि मेरे को रेनॉ के गाड़ी में थोड़ा सा लैग महसूस हुआ था AMT वर्जन में, वो यहाँ पे महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मेरे को। गियर शिफ्टिंग जो है वो बहुत ही स्मूथ है इंटरनल। एंड अभी देखो फर्स्ट गियर में है गाड़ी, ऑटोमेटिक सेकेंड गियर में अभी आएगा, राइट। देखो सेकेंड गियर में आ चुका है, अभी ये जाएगा थर्ड में, ठीक है। देखो थर्ड में भी आ गया, एंड बहुत ही स्मूथ है वो, बिल्कुल भी मतलब ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि गियर शिफ्ट हो रहा है AMT में। वो हल्का से एक जर्क लगता है, वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। अगर आप AMT गाड़ी का भी चलाओगे ना, तो आपको महसूस होगा ये चीज, तो वो जर्क इसमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी भी इसका बहुत सही है, मतलब बहुत स्मूथ है, सस्पेंशन वर्क्स वेरी फाइन, एंड टाटा हैज डन ए वेरी गुड जॉब इन दिस कार। एंड मेरे को, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग ए टिगोर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग ए टिगोर, आई गॉट माई हैंड्स ऑन टिगोर, एंड दिस इज अ वेरी गुड कार। आप अगर कंसिडर करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो इस गाड़ी को। इसमें एक पंगा क्या पता है, अभी जो रेगुलरली मैनुअल चलाता है ना, वो अगर अचानक से AMT चला है ना, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि मेरा लेफ्ट पैर ना तब से गियर चेंज करने के लिए हाथ हिल रहा है, और पैर ना क्लच पकड़ने के लिए तब से कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे क्लच है ही नहीं मेरे को, बार बार वो मैं भूल जा रहा हूँ कि मैं AMT चला रहा हूँ। ये एक पंगा है यार, बाकी ड्राइव क्वालिटी तो बहुत सही है गाड़ी का।